गाइस हेलो, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी, आप देख रहे सिंपल टिप्स अन्वेषा। आगे में अप्रैल मंथ स्पेशल समर का डाइट प्लान चैलेंज। ये डाइट प्लान स्पेसिफिक होगा पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायरायडिज्म एंड प्री डायबिटिक कंडीशंस के लिए। तो चलिए डाइट प्लान को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं अपने वेट लॉस डाइट प्लान जर्नी के लिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी अपने प्रोग्राम का, आप उसमें रजिस्टर कर सकती है। इसको भी अगर आप डेडिकेशन के साथ फॉलो करोगे विद ऑल द कंडीशंस तो आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो अगर आपको कोई भी कंडीशन नहीं है फिर भी आप जेनरिक लोग जिनको कुछ इश्यू नहीं है वो जेनरिक वाले भी ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इस डाइट प्लान के साथ साथ आप सभी अपने विटामिन डी, B12 लेवल्स को सही रखिएगा, आयरन फेरेटिन लेवल्स को सही रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके सही रहे इसका ध्यान रखें। इसका मतलब आपको ब्लड टेस्ट रेगुलरली करनी होगी, उसको मॉनिटर करना होगा एंड सप्लीमेंट्स चाहिए तो सप्लीमेंट्स लेना होगा। एंड ऑल्सो जिनको प्री डायबिटिक कंडीशन है वो अपने शुगर लेवल्स को भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना, एटलीस्ट 3 महीने में चेक करते रहना, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप दीज थिंग्स इन चेक, क्योंकि जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं होती है तब तक लोग बहुत लाइकली लेते हैं इन सब चीज़ों। सो मॉर्निंग ड्रिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेथी सोप वाटर। नाउ दिस इज ग्रेट स्पेसिफिकली फॉर पीपल विद डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक कंडीशन। बस में आते हैं ब्रेकफास्ट में, ऑफकोर्स एग्स इज अ ग्रेट ऑप्शन, बट बहुत लोग एग्स नहीं खाते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही यूनिक बट एट द सेम टाइम प्रोटीन एंड कार्ब रिच ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे किचन में। ओके, आई एम मेकिंग पनीर स्टफ्ड बेसन रागी चीला। तो पनीर का स्टफिंग हम पहले रेडी करें विद स्मैश पनीर, लो फैट पनीर और टोफू लिया है मैंने यहाँ पर एक्चुअली, एंड मैंने यहाँ पर गार्निशिंग कर ली और उसका स्टफिंग बना के रख दिया है जो सॉल्ट पेपर एंड चिली फ्लेक्स डाल के एंड सम चॉप्ड वेजीज। उसके बाद बेसन ले रही हूँ 3 टीस्पून एंड आई विल टेक 2 टीस्पून ऑफ रागी। मैं ये बेसन रागी का चीला बना रही हूँ, आप सिर्फ बेसन चीला भी बना सकते हो या फिर सिर्फ रागी का चीला भी बना सकते हो। ध्यान रखिए बहुत धीरे धीरे ऐड करना है, दिस इज द की टू इट। सो वंस द कंसिस्टेंसी समथिंग लाइक दिस, टेक अ पैन, स्प्रेड सम ऑयल ऑन इट, बैटर को डाल दो एंड देन इसको अच्छे से बनने दो, पकने दो दोनों साइड्स पे धीरे धीरे। आई हैव टू फ्लिप इट विद द हेल्प ऑफ अ स्पून बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। नाउ देन एक साइड में मैंने ग्रीन चटनी बना लगा दी, ये घर पर बनी हुई ग्रीन चटनी है और स्टफिंग ऐड कर दी है। फिर इसको आप फोल्ड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर मैश टोफू यूज़ किया है, आप मैश लो फैट पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई रिच इन प्रोटीन है बिकॉज इसमें रागी है, बेसन है, पनीर टोफू का स्टफिंग है। 1 is enough एंड क्वाइट सफिशियंट, आप देख सकते हो यहाँ पर। ऑलराइट, अब ब्रेकफास्ट के बाद मिड मॉर्निंग में आप लेंगे कोकोनट वाटर एंड एनी 1 serving स्मॉल साइज फ्रूट ऑफ योर चॉइस। एंड मिड मॉर्निंग आप 11:30 बजे तक कर लेना, 11:30-12 बजे तक कर लेना ताकि आप लंच कर सको 2 बजे। लंच में 2 ऑप्शन है। नाउ इफ योर प्री डायबिटिक कंडीशन या आपको थायराइड है या आपको पीसीओडी है या तीनों ही है। अब मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको ये तीनों कंडीशंस हैं, उनका तो जो स्पेसिफिक है उनको तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा टू हैव द काइंड ऑफ डाइट, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना स्टार्टिंग जो होता है ना, खाने का स्टार्टिंग आप करोगे विद अ बोल ऑफ सैलड। आपको यूजुअली बहुत लोग इसको स्किप कर जाते हैं या बाद में खाते हैं, इसके साथ खाते हैं। आप स्टार्टिंग ही करोगे विद अ बोल ऑफ सैलड। एंड जिनको डायबिटिक प्री डायबिटिक कंडीशन है आप अपने सैलड में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल लेना, दिस विल ग्रेटली इम्प्रूव योर इंसुलिन स्पाइक। ये आप खा लेना। उसके बाद आप लोगे या तो सिंगल पॉलिश राइस या ब्राउन राइस, मतलब व्हाइट राइस बट नॉट वेरी वेरी पॉलिश्ड, ऑलराइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइस ऑप्शन। उसके साथ वेजिटेरियंस आर गोइंग टू गो फॉर छोले, चिकपी, एंड जो नॉन वेजिटेरियंस है इस टाइम वो लेंगे फिश करी या फिर एग करी। मैं आपको यहाँ पर बंगाली स्टाइल में रोहू या रूई फिश करी दिखा रही हूँ। देखिए ऑयल ना मैंने यहाँ पर बस 2 टीस्पून लिया है, इससे ज़्यादा हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल उतना ज़्यादा कैलोरी। सो आई एम टेकिंग 2 पीसेस ऑफ फिश एंड कम ऑयल में शैलो फ्राई किया है। फ्राई होने के बाद फिश को अलग करके रख दीजिए आफ्टर इट्स फ्राइड। फिर एक ब्लेंडर में अनियंस, टमाटोज, चिलीज डालिए, जिंजर एंड गार्लिक, दिस अप टू योर चॉइस, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लो। फिर हमें ग्रेवी बनानी है। एक्स्ट्रा ऑयल मैं नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा सेम ऑयल में ही मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी या फिर आप उस ब्लेंडर में भी डाल सकते हो। और उसको अच्छे से स्प्लैटर करना है विद अ लिटिल बिट ऑफ जीरा।
फिर उसके बाद उसी ऑयल में वो टमाटो अनियन का पेस्ट डालो, अच्छे से मिक्स करो एंड लेट इट कुक फॉर सम टाइम। आफ्टर कुकिंग एड ऑल द मसालाज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, गिव इट मोर टाइम टू कुक, द बेटर इट विल टेस्ट। लास्टली आफ्टर मिक्सिंग ऑल द मसालाज विद द ग्रेवी, वी आर गोइंग टू एड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, वाटर बहुत ज़्यादा मत डालना। एंड आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू एड द फिशेज एंड द पोटैटोज। मैंने पोटैटो हाफ स्लाइस पोटैटो को छोटा छोटा पीस करके काट के डाला है, ज़्यादा नहीं, जस्ट आई लाइक इट, हाउ बंगालीज लाइक इट। एंड लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम एंड वंस इट्स डन सर्व इट हॉट। ये सब खाने के एटलीस्ट 15-20 मिनट बाद आप लेंगे एक कप छाछ, बटर मिल्क, वो भी घर पे बनी हुई सिंपल छाछ, डोंट ऐड शुगर जैगरी एनीथिंग टू इट। ओके, सबसे पहले मैंने दही लिया है, ये घर पे जमी हुई दही है, उसमें मैं पानी डालूंगी। मैं दो आदमी के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 to 7 टेबल स्पून ऑफ दही लिया है। फिर पानी जितना आप डालेंगे डिपेंड करता है कि आपको कैसा कंसिस्टेंसी पसंद है, मुझे इतना कंसिस्टेंसी ठीक लगता है, मुझे थोड़ा रनी ही अपना बटर मिल्क पसंद है एंड मोस्ट ऑफ अस लाइक इट लाइक दैट ओनली। अब इसमें मैं इतना सा बस ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, जस्ट अ पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट। मैं ऐसे हैंड चर्नर लूँगी और इसको हैंड से मैं पूरा चर्न करूँगी, अच्छे से इसको चर्न करूँगी। देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ इसको, पर्पस इज दैट मैं अच्छे से वाटर एंड दही को ब्लेंड कर दूंगी ताकि दही के लम्प्स ना रहे, एकदम सीमलेसली वाटर के साथ मिक्स हो जाए। इट टेक हार्डली 3-4 मिनट, दैट्स इट। बस उसके बाद जैसे ही लिक्विड बन जाए तो आप उसको पोर कर दीजिए ग्लास में। पिंच ऑफ रोस्टेड क्यूमिन पाउडर या जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, ऑफकोर्स ये ऑप्शनल है। उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर दिया और आपका बटर मिल्क रेडी। इवनिंग स्नैक्स में आप एक छोटी छोटी कप चाय ले सकते हैं, नॉर्मल मिल्क टी, क्योंकि मैंने सुबह मिल्क टी नहीं दिया है तो इसका मतलब अभी आप ले सकते हैं। बट अगर आपको इवनिंग में चाय या कॉफी लेने की आदत नहीं है तो आप वो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं चाय कॉफी अपनी, ठीक है। तो चाय पीते हैं तो इस टाइम आप नॉर्मल ब्लैक टी ले सकते हैं, नॉर्मल आपकी दूध चाय ले सकते हैं, या फिर आप यू नो ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। अब जिनको प्री डायबिटिक ट्राइबिटिक है वो शुगर, चीनी, गुड़, हनी कुछ नहीं डालेंगे। अब इसके साथ क्या लेना है, आपको एक बोल पॉपकॉर्न लेना है, बट पेरी पेरी वाले पॉपकॉर्न नहीं, वो बटर कैरेमल वाले पॉपकॉर्न है, प्लेन सिंपल पॉपकॉर्न विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्लेवर्स एंड एडिटिव्स, यू गोइंग टू हैव इट विद योर चाय। आ जाते हैं डिनर में। डिनर आप प्लीज प्लीज 8:30 बजे से पहले हो जाए तो बेटर है। बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं जो 7, 7:30 तक भी डिनर कर लेते, ग्रेट जॉब फॉर दोज पीपल, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। सो ट्राई करें कि जितना जल्दी हो सके, एटलीस्ट बाय 9 शुड बी योर बेंचमार्क, गेट डन विद योर डिनर। डिनर में कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे, चलिए मेरे किचन में और देखते हैं कि क्या बनाते हैं। तो 1 कप ओट्स लिया है, रोल्ड ओट्स, उसको रोस्ट किया है 2-3 मिनट तक, फिर मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया। तो ये हाफ बोल हो गया, ये हाफ बोल सूजी लिया है या रवा एंड 1 कप दही, खट्टी दही, सबको एक साथ मिक्स करना है एंड धीरे धीरे पानी ऐड करना है। नाउ दिस इज़ द ट्रिक, यहाँ पर बहुत लोग गड़बड़ कर सकते हैं, खासकर अगर आप एकदम नए हो और फर्स्ट टाइम बना रहे हो। ऑलवेज ऐड वाटर स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड जब तक आप करते रहो, व्हेन यू गेट सम कंसिस्टेंसी लाइक दिस, तब आप इसको ढक के रख देना 20 मिनट तक। तो सूजी फूल जाएगी आफ्टर 20 मिनट्स, सी दिस इज हाउ हार्ड इट हैज़ बिकम बिकॉज आई एम यूजिंग सूजी। यू कैन ऑल्सो मेक द सेम थिंग विद ओट्स एंड बेसन। अब डाल रही हूँ हींग, सॉल्ट टू टेस्ट, टर्मरिक, लाल मिर्ची एंड चाट मसाला, दिस इज जस्ट ऑप्शनल गाइस। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड सम चिलीज टू इट, सम कोरिएंडर, देन फाइनली आई एम गोइंग टू ऐड सम वाटर एंड देन कंसिस्टेंटली हम इसको मिक्स करते रहेंगे। जब आपकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे बन जाएगी देन आपको पता चलेगा कि आपका बैटर रेडी है। इन द मीनवाइल आई हैव ऑलरेडी पुट माई स्टीमर, मैं इसको कढ़ाई में स्टीम करूँगी, आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी स्टीम कर सकते हो। लास्टली आई एम गोइंग टू ऐड 1 teaspoon ऑफ इनो और बेकिंग सोडा, आई एम गोइंग टू यूज़ बेकिंग सोडा, आप चाहे तो इनो भी यूज़ कर सकते हो, बट इसको एकदम एंड में मिक्स करना है। फिर एक ग्रीस्ड ऐसे पैन लेंगे और उस पर बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। वंस आई हैव ट्रांसफर्ड इट आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन द स्टीमर और 30 मिनट्स तक नो मूवमेंट, नो ओपनिंग ऑफ द लिड, ऐसे ही रहना है 30 मिनट। तब तक तड़का तैयार करेंगे, हम ऑयल ले रहे हैं और उसमें मैं ऐड करूँगी राई एंड सेसमी सीड्स, सेसमी सीड्स आर ऑप्शनल। फिर हींग भी थोड़ा ऐड कर देना, अगर आप चाहे तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हो। देन लास्टली आई एम गोइंग टू ऐड सम चिलीज एंड करी लीव, जब ये चटकने लग जाए राई आपकी, उसके बाद जब ये रेडी हो जाए थोड़ा सा पानी डाल देना, ठीक है। नाउ माई ढोकला इज़ रेडी, मैंने इसको निकाल दिया स्टीमर से और देखो ये बन गया है सॉफ्ट। लास्टली ऊपर मैंने ये थोड़ा सा ग्रेवी डाल दिया, धनिया पत्ता डाल दिया है एंड इट कम्प्लीटली, जैसे हॉट है आप इसको काट लो, काफ़ी सॉफ्ट अच्छा बना है। मैं काट लूँगी इसको छोटे छोटे पीसेस में एंड वंस इट्स डन आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट एंड सर्व इट विथ सम ग्रीन चटनी।
सी इट लुक सो नाइस। ये घर पे बनी हुई धनिया की चटनी है, धनिया पुदीने की, और ये टेस्टी भी बहुत है, हेल्दी भी है बहुत है। आप बेसन का भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, एंड रात को सोने से पहले आप लेंगे कोई भी हर्बल टी, बी इट कैमोमाइल टी, स्पियरमिंट टी, पेपरमिंट टी, जैस्मिन टी, एनीथिंग दैट यू लव। आई पर्सनली लव स्पियरमिंट टी। हैव अ गुड नाइट स्लीप। 11-12 बजे तक आपको सो जाना चाहिए एंड देन वेक अप द नेक्स्ट डे। ऐसे ही आप कोशिश करोगे ना, देन यू कैन रियली 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 कंट्रोल योर इंसुलिन लेवल्स विद योर टाइमली मील्स, राइट काइंड ऑफ मील्स। इसके साथ जैसे मैंने पहले ही बोला, 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 to 6 डेज अ वीक इज मैंडेटरी। पानी 3 लीटर पीना है क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई है, बहुत गर्मी है। बहुत ज्यादा स्पाइसी तला हुआ खाना वगैरह अवॉइड कीजिए। तो दैट्स इट, दैट्स द डाइट प्लान। कौन कौन अप्रैल में करेगा अपना डाइट जर्नी मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे कंसल्ट करना है तो यस यू नो द ड्रिल, मुझे नीचे लिंक चेक कर लो, रजिस्टर कर लो एंड आई कैन हेल्प यू आउट फॉर श्योर। यू एंजॉय दिस इजी सिंपल रेसिपीज एंड यू फाइंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस डाइट प्लान एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बहुत लोग इस सूट के बारे में भी पूछेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, सो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी। चलिए, टाटा।